हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ योर क्लास सेकंड, चैप्टर नंबर थर्ड, डोरी द डॉक्टर रिपोर्ट। ये है आपकी इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर थर्ड, जो कि है डोरी द डॉक्टर रिपोर्ट। डोरी क्या है कि एक रोबोट है जो कि डॉक्टर रोबोट है। एक साइंटिस्ट ने बनाया है ताकि वो एक हेल्प कर सके बच्चों की या किसी की भी जिन्हें चोट लगी हो। तो हम इस चैप्टर को रीड करते हैं। Once there was a genius scientist named Tarun. एक बार एक जीनियस क्या होता है, होशियार या बुद्धिमान साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, जिसका नाम था तरुण। He was famous for his invention. वो अपने आविष्कारों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, मतलब मशहूर था। इन्वेंशन क्या होता है, आविष्कार। जो भी नई चीज़ हम बनाते हैं, इन्वेंट करते हैं, उसे हम बोलते हैं इन्वेंशंस। ठीक है, वो अपने इन्वेंशंस के लिए, आविष्कारों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर था, प्रसिद्ध था। He was very determined and hard working. Determined क्या होता है, strong mind का, मतलब तेज़ दिमाग का, और hard working मतलब कि बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करने वाला था। He was very determined and hard working. He invented many robots. उसने कई robots बनाए थे। He created a doctor robot and named it Dory. उसने एक doctor robot बनाई जिसका नाम उसने क्या रखा, Dory रखा। She was a complex robot. वो एक complex मतलब जटिल, मतलब थोड़ी उसकी जो connection थे वो थोड़े hard थे, complex थे, मुश्किल थे उस robot के। She was a complex robot. कि उसे बनाने में बहुत ज़्यादा complex जटिलता लगी थी या hardness था। Her outer structure was soft. उसका जो बाहरी हिस्सा था machine का वो कितना soft था। One could easily hug her. कोई भी उसे गले लगा सकता था, मतलब सॉफ्ट था एकदम। But from inside she was a heavy mechanical machinery. और अंदर से क्या था कि वो एक भारी मशीन की तरह थी। तरुण worked on Dory for 8 years. तरुण ने डोरी के ऊपर 8 साल तक काम किया। तो इस चैप्टर के अंदर अभी तक हमने पढ़ा है कि तरुण एक साइंटिस्ट है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, उसने बहुत सारे इन्वेंशंस किए हुए हैं, उसने काफ़ी सारे रोबोट्स भी बनाए हुए हैं, पर उसने अब क्या बनाया है, एक नया रोबोट बनाया है जिसका नाम है डोरी। डोरी नाम का रोबोट बनाया है और वो एक डॉक्टर रोबोट है। वो कॉम्प्लेक्स रोबोट है एकदम। उसका बाहर का जो स्ट्रक्चर है, बाहर का जो सरफेस है वो क्या है, सॉफ्ट है, और जो अंदर का है वो क्या है, इनसाइड जो है वो हैवी मशीनरी है। ठीक है, तरुण ने उस रोबोट के ऊपर 8 ईयर तक वर्क किया है, 8 साल तक वर्क किया है। तो ये जो हमें पिक्चर यहाँ पे शो हो रही है उसमें क्या है कि जो मशीन है वो तो है डोरी द डॉक्टर रोबोट, और जो ये जो इसके अंदर जो स्क्रू टाइट कर रहा है वो कौन है, तरुण है, द जीनियस साइंटिस्ट। अब हम आगे चलते हैं। वन डे तरुण सा अ चाइल्ड हूज नी वॉज इंजर्ड एंड ब्लीडिंग हैविली। एक दिन तरुण ने एक बच्चे को देखा जिसकी नी मतलब क्या होता है, घुटना, वॉज इंजर्ड, इंजर्ड मतलब चोट लगी हुई थी, एंड ब्लीडिंग हैविली। एक बार तरुण ने एक बच्चे को देखा जिसके घुटने पे चोट लगी हुई थी और तेज़ खून आ रहा था, ज़्यादा खून आ रहा था। ही हैड फॉलन डाउन वाइल स्केटिंग। वो स्केटिंग करता हुआ गिर गया था। ही वॉज नॉट वेयरिंग एनी नी कैप्स और एल्बो कैप्स। उसने कुछ भी, नी कैप्स क्या होता है, जब हम स्केटिंग करते हैं या कोई भी हम स्केटिंग या स्केटबोर्ड हम चलाते हैं तो हम अपने सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, नी, घुटने के कैप्स आते हैं ताकि हम गिर जाएं तो हमारे घुटनों पे और एल्बो पे, कूनी पे चोट ना लगे। तो नी कैप्स एंड एल्बो गार्ड्स उसने नहीं पहने थे। ही थॉट दिस वॉज द राइट टाइम टू टेस्ट दिस रोबोट। उसने सोचा कि ये एकदम सही समय है अपने रोबोट का टेस्ट करने का या रोबोट का यूज़ करने का। सो ही टुक डोरी टू द चाइल्ड। तो वो डोरी को उस बच्चे के पास ले आया। अब तरुण ने क्या किया, तरुण ने रोबोट बनाया था जिसका नाम उसने डोरी रखा था, वो एक डॉक्टर रोबोट थी। तो एक दिन तरुण ने देखा कि एक बच्चा जो है वो गिरा हुआ है, उसके घुटने पे खून आ रहा है और उसकी चोट लगी हुई है। वो स्केटिंग करता हुआ गिर गया था और साथ में उसने अपने इन्हीं कैप्स और एल्बो गार्ड्स नहीं पहने थे जिससे उसके ना लगती, पर उसके लग गई क्योंकि वो गिर गया, क्योंकि उसने क्या नहीं किया, नी कैप और एल्बो गार्ड नहीं पहने थे। तो उसने सोचा कि ये एकदम सही समय है कि डोरी को मुझे लाना चाहिए और रोबोट को टेस्ट करना चाहिए। तो वो बच्चे के पास डोरी को ले आता है। द किड वॉज क्राइंग एज हिज नी वॉज स्क्रैच्ड बैडली। जो बच्चा था वो रो रहा था क्योंकि उसकी नी, घुटने पे क्या है, बहुत गंदी तरह से खरोंचे आई हुई थी। तरुण कहता है, व्हाट इज़ योर नेम माई बॉय, लड़के तुम्हारा क्या नाम है। द चाइल्ड रिप्लाई, सोहम। बच्चा कहता है मेरा नाम सोहम है।
वेयर आर योर सेफ्टी गियर्स, तुम्हारे सेफ्टी गियर क्या है? सेफ्टी गियर क्या होता है? सुरक्षा के जो औजार होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि नी कैप एंड एल्बो गार्ड, उसको बोलते हैं सेफ्टी गियर, ताकि हमारी सुरक्षा हो सके, अगर हम गिर जाएं तो हमारे चोट ना लगे। तो वो पूछे तुम्हारे सेफ्टी गियर कहाँ है? तरुण कहता है आई एम सॉरी अंकल आई फॉरगॉट टू वियर देम। वो कहता है सॉरी अंकल मैं उन्हें पहनना भूल गया। सोहम कहता है डोंट वरी ब्रेव बॉय, बहादुर बच्चे कोई बात नहीं, आई हैव इन्वेंटेड दिस डॉक्टर रोबोट, कि मैंने ये डॉक्टर रोबोट को बनाया है, इन्वेंट किया है। हर नेम इज़ डोरी, इसका नाम डोरी है। शी विल गिव यू फर्स्ट एड, वो तुम्हें फर्स्ट एड देगी, मतलब प्राथमिक चिकित्सा, मतलब अगर हमें ज़्यादा चोट लग जाती है तो उस चोट को सही करने के लिए जो हम पहले दवाई लगाते हैं या कुछ भी हम पहले करते हैं साफ करने के लिए उस चोट को, उसे बोलते हैं फर्स्ट एड। तो वो बोलती है, बोलता है शी विल गिव यू फर्स्ट एड, तरुण बॉस्टेड, तरुण घमंड करता हुआ बोलता है, या मतलब ऐसे एकदम फाइन वे में बोलता है कि ये तुम्हारी फर्स्ट एड करेगी। सोहम वा शॉक्ड एंड स्केयर टू, सोहम चकित रह जाता है और डरता भी है। विल शी बी एबल टू डू दैट, सोहम आस्क, क्या ये कर सकती है ये, सोहम पूछता है। यस शी विल, यू जस्ट हैव टू से ओ, रिप्लाई तरुण। तो तरुण कहता है कि हाँ ये कर सकती है, बस तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये कहना है ओ, ओ डब्ल्यू ओ। तो ये हमें पिक्चर दिख रही है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो साइंटिस्ट है तरुण वो भी है, यहाँ पे हमें दिख रहा है डोरी भी है, और यहाँ पे जो सोहम है उसकी चोट भी लगी हुई है और ब्लीडिंग हो रही है। तो वो डॉक्टर कहता है कि क्या तुमने अपने सेफ्टी गार्ड्स नहीं पहने थे? तो सोहम कहता है कि नहीं अंकल मैं वो भूल गया था। तो वो बोलता है कि कोई तुम टेंशन मत लो, यहाँ पे जो डोरी है वो तुम्हारी फर्स्ट एड कर देगी। पर वो डर जाता है कि वो शायद कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो तरुण कहता है कि हाँ ये पक्का करेगी, तुम बस ओ बोलो, ओ डब्ल्यू ओ। आगे हम पढ़ते हैं, सोहम डिड एज इंस्ट्रक्टेड, सोहम ने वैसे ही कहा जैसे उसे कहा गया था। द वर्ड ओ एक्टिवेटेड डोरी, तो जो ओ वर्ड था वो डोरी को एक्टिवेट, मतलब स्टार्ट कर देता था, सक्रिय कर देता था काम करने के लिए। मतलब कोई भी अगर ओ बोलेगा तो जो डोरी है वो काम करना स्टार्ट कर देगी अपना फर्स्ट एड का। डोरी क्लीन सोहम नीज, गेव हिम फर्स्ट एड, डोरी ने क्या किया, सोहम के जो घुटने को साफ किया और उसे फर्स्ट एड दिया, मतलब उसकी चोट को सही किया। शी ऑल्सो स्कैन द लिटिल बॉय फॉर सम मोर इंजरी, उसने छोटे बच्चे को स्कैन किया, स्कैन मीन्स क्या होता है, पूरा मुआयना करना, देखना कि और कहीं चोट तो नहीं लगी हुई। शी ऑल्सो स्कैन द लिटिल बॉय फॉर मोर इंजरी, उसने बच्चे को स्कैन किया ताकि देख सके कि और कोई चोट तो नहीं लगी हुई उसके। शी फाउंड वन मोर इंजरी ऑन हिज आर्म, उसने उसके बाह पे एक और इंजरी देखी। डोरी क्लीन हिज आर्म एंड पुट बैंडेज ऑन इट, डोरी ने उसकी आर्म को साफ किया और उस पर बैंडेज लगा दी। डोरी एडवाइस सोहम, डोरी ने सोहम को एडवाइस दी, सलाह दी, ऑलवेज वियर सेफ्टी गियर वाइल स्केटिंग, कि तुम्हें हमेशा सेफ्टी गियर पहनने चाहिए जब तुम स्केटिंग करो, दे विल सेफ यू फ्रॉम इंजरी, वो तुम्हें चोट से सेफ रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। अब हमने देखा कि सोहम जो है वो डोरी को एक्टिवेटेड कर देता है ओहो बोल के, डोरी क्या करती है उसकी नी साफ करती है, और नी मतलब घुटने को साफ करती है और उसे फर्स्ट एड देती है, और उसे और स्कैन करती है ताकि उसके कहीं और चोट लगी हुई है तो उन्हें पता लग जाए। आर्म पे एक चोट लगी होती है, बाह पे एक चोट लगी होती है, तो वो उस पर साफ करके उस पर बैंडेज लगा देती है। डोरी सोहम को एडवाइस करती है, सलाह देती है कि तुम्हें हमेशा सेफ्टी गियर पहनने चाहिए ताकि तुम्हें कभी स्केटिंग करते समय चोट ना लगे, वो तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। शी गिव्स सोहम अ कैंडी, वो सोहम को एक कैंडी देती है, टॉफी देती है। सोहम गॉट अप एंड थैंक डोरी, सोहम खड़ा होता है और थैंक यू करता है डोरी को, डोरी को थैंक्स करता है। ही ऑल्सो थैंक तरुण एंड सैड, वो तरुण को भी थैंक्स कहता है, तरुण को थैंक बोलता है और कहता है डोरी डिड एवरीथिंग वेरी केयरफुली एंड सॉफ्टली, डोरी ने सब कुछ जो किया बहुत केयरफुली मतलब ध्यान से किया, एंड सॉफ्टली मतलब प्यार से किया, आराम से किया। आई डिड नॉट फील एनी पेन, मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। आई प्रोमिस टू वियर सेफ्टी गियर्स एवरी टाइम वाइल स्केटिंग, मैं आपको ये वादा करता हूँ कि मैं हर टाइम जब भी स्केटिंग करूँगा मैं सेफ्टी गियर पहन के ही करूँगा। आफ्टर हियरिंग दिस तरुण गॉट रियली हैप्पी, ये सुनने के बाद तरुण बहुत खुश हुआ। ही ट्राइड टू गिव हाई फाई डोरी, वो डोरी को हाई फाई करना चाहता था। हाई फाई क्या होता है, जब हम एक दूसरे को ताली देते हैं उसे बोलते हैं हाई फाई। तो वो डोरी को हाई फाई करना चाहता था, बट डोरी कुड नॉट परफॉर्म द फंक्शन,
पर जो डोरी है वो ये कार्य नहीं करती है. फंक्शन क्या होता है, वो कार्य. तो वो हाईफाई वाला जो टास्क था वो नहीं करती है, बिकॉज शी वॉज नॉट प्रोग्राम फॉर इट, क्योंकि उसे ये प्रोग्राम करने के लिए नहीं बनाया गया था. क्योंकि जो डोरी है उसे क्या करने के लिए बनाया गया था, चोट सही करने के लिए, पर हाईफाई करने के लिए उसमें ये प्रोग्राम नहीं था. तो तरुण वेंट टू हिज लैब, तो तरुण क्या करता है, अपने लैब में जाता है एंड स्टार्टिंग वर्क ऑन एडिंग द हाईफाई एक्शन टू डोरी मेमोरी. तो वो क्या करता है, लैब जाता है और उस पर काम चालू कर देता है, ताकि वो डोरी के अंदर हाईफाई का जो एक्शन है, हाईफाई की जो प्रक्रिया है, वो उसकी मेमोरी में डाल सके, ताकि जब भी कोई वो अच्छा काम करेगी तो वो हाईफाई दे. तो ये था हमारा चैप्टर द डोरी इज द डॉक्टर रोबोट. हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने इसमें पढ़ा कि एक साइंटिस्ट है तरुण, जो रोबोट बनाता है डोरी नाम का, जो डॉक्टर रोबोट होती है, ताकि वो दूसरों की हेल्प कर सके. वो देखता है कि एक बार एक बच्चा गिर गया होता है स्केटिंग करते हुए, उसके नी पे चोट लगी होती है, ब्लीडिंग हो रही होती है, तो वो डोरी को लेकर आता है ताकि वो टेस्ट कर सके रोबोट को. तो वो डोरी जो होती है वो उसकी नी पे से नी साफ करती है और वहाँ पे फर्स्ट एड करती है, एंड वो आम उसके सही करती है, स्कैन करके देखती है कि और कोई चोट तो नहीं है. वो आम पे भी उसके बैंडेज लगा के सही कर देती है. देन वो उसे एडवाइस करती है कि वो सेफ्टी केयर पहन के ही स्केटिंग करे. और जो सोहम होता है, जो बच्चा होता है जिसकी चोट लगी होती है, वो भी थैंक यू करता है डोरी को और साइंटिस्ट तरुण को, कि आगे से उन्हें वो प्रॉमिस भी करता है कि वो स्केटिंग करते टाइम सेफ्टी गियर ज़रूर पहनेगा. तो ये देखकर तरुण बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो हाईफाई देता है, पर डोरी जो होती है वो उसे हाईफाई नहीं देती है, बिकॉज क्योंकि उसके अंदर वो फंक्शन प्रोग्राम नहीं किया हुआ होता. तो वो वापस लैब जाके क्या करता है, उस नए प्रोग्राम को मेमोरी में डोरी के डालने के लिए काम करना शुरू कर देता है. तो ये था हमारा चैप्टर थर्ड, द डोरी द डॉक्टर रोबोट ऑफ इंग्लिश रीडर. अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.